हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में जानने वाले कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है और उसके क्या ज़रूरत होती है टेलीविज़न सेट में यूज करने का। तो स्टैंड बाई सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, जिसके फॉल्टी हो जाने से टेलीविज़न सेट या तो डेड हो जाता है या टेलीविज़न सेट कुछ देर के बाद चलने के बाद अपने आप जो है ऑफ हो जाता है। तो इसमें कई प्रकार के आपको फॉल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टैंड बाई सेक्शन जो है एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि टेलीविज़न सेट के कुछ महत्वपूर्ण जो सेक्शन होते हैं उनके काम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कुछ टेलीविज़न सेट में ऐसे सेक्शन होते हैं जिनके फॉल्टी हो जाने से, जिनके ख़राब हो जाने से या नहीं काम करने से टेलीविज़न के स्क्रीन पर रास्टर प्राप्त नहीं होता, लाइट प्राप्त नहीं होता। तो ये जो विभाग होते हैं उन विभाग को परमानेंट सप्लाई नहीं देते हैं, इनको परमानेंट काम करने के लिए सप्लाई नहीं दे करके हम लोग क्या करते हैं तो एक कंट्रोल यूनिट बनाते हैं और कंट्रोल यूनिट के द्वारा इनके जो है फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है ताकि जो है जब चाहे तब जो है इसके फंक्शन को कंट्रोल कर सके, ये काम करे या नहीं करे, इसके लिए जो है कंट्रोल यूनिट बना होता है जिसके द्वारा जो है इसके काम को कंट्रोल करते थे। कैसे कंट्रोल करते हैं तो इसको परमानेंट सप्लाई नहीं दे करके स्टैंड बाई सेक्शन के द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो विभाग होते हैं टेलीविज़न सेट को उनको सप्लाई देते हैं। तो इम्पोर्टेंट विभाग में आप देखिएगा टेलीविज़न सेट में कि एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके फॉल्टी हो जाने से या काम नहीं करने से आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर रास्टर प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा एक क्रोमा सेक्शन होता है। क्रोमा सेक्शन जो है अगर फंक्शन नहीं करता है तो उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर कलर प्राप्त नहीं होंगे। इसके अलावा एक जो है वाई सेक्शन होता है, यानी कि लुमिनेंस सेक्शन होता है, जिसके जो है फॉल्टी हो जाने से या जो है नहीं काम करने से उस स्थिति में आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर वीडियो प्राप्त नहीं होंगे। तो ये सब जो विभाग है इनको परमानेंट सप्लाई नहीं दे करके क्या करते हैं कि इनको जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा जब चाहते हैं तब इनको सप्लाई देते हैं और जब चाहते हैं तो सप्लाई नहीं देते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो कैसे जो है इनके काम को, यानी कि इसके जो है काम को जब चाहेंगे तो ले सकते हैं और काम को नहीं लेना है तो किसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए जो है स्टैंड बाई सेक्शन बना होता है। स्टैंड बाई सेक्शन को सप्लाई पावर सप्लाई से दिया जाता है। स्टैंड बाई सेक्शन को बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है स्टैंड बाई ड्राइवर और एक होता है स्टैंड बाई आउटपुट। तो स्टैंड बाई ड्राइवर और स्टैंड बाई आउटपुट को काम करने के लिए पावर सप्लाई से 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ताकि ये जो है स्टैंड बाई सेक्शन जो है काम करे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंड बाई सेक्शन ही है जिसको जो है बनावट के आधार पर दो भागों में हम बांटे हैं आपको सुविधा अनुसार ताकि जो है आप समझ पाएं कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है। तो स्टैंड बाई में एक स्टैंड बाई ड्राइवर होगा और एक होता है स्टैंड बाई आउटपुट सेक्शन। तो यहां पर देखेंगे कि ये दोनों विभाग को काम करने के लिए 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है और स्टैंड बाई क्या करता है कि उस सप्लाई को जो मिलता है पावर सप्लाई से उस सप्लाई को लेकर के आपके जो है जो टेलीविजन सेट को जो महत्वपूर्ण विभाग है जिनके नहीं काम करने से टेलीविजन स्क्रीन पर रास्टर प्राप्त नहीं होता है या वीडियो प्राप्त नहीं होता है तो उनको सप्लाई स्टैंड बाई देने का काम करता है, लेकिन परमानेंट सप्लाई नहीं देता है। ये सप्लाई कब देता है, जब इसको एक कमांड सेक्शन होता है, एक कंट्रोल यूनिट बना होता है जो कि जब जैसे ही इसको इंफॉर्मेशन देता है, स्टैंड बाई ड्राइवर विभाग को इंफॉर्मेशन देता है, निर्देश देता है, ऑर्डर देता है, कमांड सेक्शन के द्वारा जब इसको ऑर्डर मिलता है कि तुम जो है यहां से सप्लाई आउट करो, तो जैसे ही जो है कमांड सेक्शन इसको ऑर्डर दिया, स्टैंड बाई ड्राइवर को ऑर्डर दिया और ड्राइवर जो है सूचना है कमांड सेक्शन के द्वारा जो भी जो इन्फॉर्मेशन आया, जो सूचना आया, तो सूचना को लेकर के आउटपुट सेक्शन को देने का काम करता है और आउटपुट सेक्शन जैसे ही जो है इसको सूचना मिला कि इसको सप्लाई देना है तो पावर सप्लाई से आने वाला सप्लाई जो है आपको जो इम्पोर्टेंट जो विभाग होते हैं टेलीविज़न सेट को उसको दे दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको जो है ऑपरेट नहीं कराना है, आप इसको काम नहीं लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में कमांड सेक्शन के द्वारा इसको निर्देश दिया जाता है, इसको ऑर्डर दिया जाता है या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो है यहाँ से सप्लाई नहीं देना है, नहीं निकालना है। तो उस स्थिति में जैसे ही कमांड सेक्शन के द्वारा इसको ऑर्डर मिलता है स्टैंड बाई ड्राइवर को, तो स्टैंड बाई ड्राइवर उस ऑर्डर को लेकर के स्टैंड बाई आउटपुट दे देता है और आउटपुट क्या करता है कि यहाँ से सप्लाई देना बंद कर देता है, जबकि परमानेंट सप्लाई पावर सप्लाई से ये दोनों विभाग को मिलते रहता है। तो पावर सप्लाई से परमानेंट इनको सप्लाई मिलता है, लेकिन ये जो है ये दोनों विभाग है
आपको क्या करते हैं कि ये दोनों विभाग मिल करके इसको सप्लाई जो है आवश्यकता अनुसार जब देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। ये दोनों विभाग किसके ऑर्डर पर काम करेंगे, तो कमांड सेक्शन के ऑर्डर पर काम करेंगे। और कमांड सेक्शन जो है इस सेक्शन को भी काम करने के लिए पावर सप्लाई से ही सप्लाई दिया जाता है ताकि कमांड सेक्शन काम करे। कमांड सेक्शन में आप देखेंगे कि बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं जिसके बारे में आगे चल करके आपको फिर जो है आगे चल करके स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। तो कमांड सेक्शन क्या होता है, ये कमांड सेक्शन को जो है पावर सप्लाई सप्लाई देते हैं और इस प्रकार ये कमांड सेक्शन काम करता है। और कमांड सेक्शन के द्वारा जो भी इसको जो है इंफॉर्मेशन दिया गया, ऑर्डर दिया गया, उसी ऑर्डर का जो है ड्राइवर विभाग आगे बढ़ाता है। और उसी प्रकार से जैसे ही जो है स्टैंड बाई आउटपुट को जब सूचना मिला कि सप्लाई आउट करना है या नहीं आउट करना है, तो उसी अनुसार से पावर सप्लाई से आने वाला सप्लाई को या जो है टेलीविजन सेट का जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनको सप्लाई देने का काम करता है। अगर सप्लाई दिया तो टेलीविजन के स्क्रीन पर राष्ट्र प्राप्त होगा, अगर सप्लाई नहीं दिया तो टेलीविजन के स्क्रीन पर राष्ट्र प्राप्त नहीं होगा। और देखिएगा कि कमांड सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपका एक कंट्रोल यूजर जो है होते हैं। यूजर कौन होगा, तो यूजर जो है आप और हम होंगे। जो टेलीविजन को जो ऑपरेट करता है, जो टेलीविजन को जो चलाएगा व्यक्ति, उसको हम लोग यूजर बोलेंगे। तो कंट्रोल बाय यूजर यानी कि यूजर के द्वारा जो आपको जो टेलीविजन सेट जो व्यक्ति जो चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उस टेलीविजन सेट को चलाने वाला व्यक्ति कमांड सेक्शन को क्या करता है कि कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो यूजर के द्वारा कमांड सेक्शन के काम को कंट्रोल किया जाता है। और कमांड सेक्शन इसके काम को कंट्रोल करता है, किसे काम को, तो ड्राइवर को। और ड्राइवर किस काम को कंट्रोल करता है, तो आपको स्टैंड बाई सेक्शन का काम कंट्रोल करता है। और स्टैंड बाई सेक्शन जो है जैसे यहाँ पर वोल्टेज मिलता है तो यहाँ से वोल्टेज देने का काम करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, दूसरे शब्दों में ये समझिए कि यूजर जो होता है, यूजर का मतलब है जो टेलीविजन सेट को जो चला रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है टेलीविजन सेट को, वो जो है टेलीविज़न में कौन सा चैनल देखना है, कौन सा चैनल नहीं देखना है। अब मान लीजिए कि आप टेलीविज़न के पास बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि टेलीविज़न को जो है कौन सा चैनल देखना है नहीं देखना है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बैठे हुए टेलीविज़न सेट देख रहे हैं, अचानक जो है कोई फ़ोन आ गया, उस स्थिति में आप हो सकता है कि आपको मन करे कि नहीं टेलीविज़न सेट को बंद कर दें। तो बंद करने के लिए क्या होता है कि आपके पास रिमोट होगा या की होगा, रिमोट या की के द्वारा कमांड सेक्शन को ऑर्डर देंगे कि टेलीविज़न सेट क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। ऑफ की जैसे ही ऑर्डर दिए तो कमांड सेक्शन इसको ऑर्डर दिया और यह जाकर के इसको ऑर्डर दिया, आउटपुट्स को ऑर्डर दिया स्टैंड बाई। और आउटपुट क्या करता है, स्टैंड बाई आउटपुट की पावर सप्लाई से आने वाला वोल्टेज को इधर देना बंद कर देगा। और इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होगा उसको जैसे ही सप्लाई नहीं मिलेगा तो टेलीविजन स्क्रीन पर लाइट प्राप्त होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही यूजर ऑर्डर दिया, टेलीविजन सेट को ऑन करने का ऑर्डर दिया, तो तुरंत यह कमांड सेक्शन जो स्टैंड बाई ड्राइवर को ऑर्डर देता है, स्टैंड बाई ड्राइवर इसको ऑर्डर देता है स्टैंड बाई आउटपुट को। और आउटपुट क्या करता है कि आने वाला पावर सप्लाई का वोल्टेज यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है उसको देने का काम करता है।